आप बोलते हैं सामने। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के आज के लेक्चर में बात करूंगा सबसे पहले टॉरबोल की। हाल ही में मुंबई के समुद्र तट के किनारे पर कुछ टॉरबोल देखी गई हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में सीखेंगे कि टॉरबोल होती क्या है। एमबीबीएससी मेंस जैसे एग्जाम में या यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। टॉरबोल के बारे में अगर जाने दोस्तों, तो याद रखिएगा कि ये चिपचिपे गोले होते हैं जो गहरे रंग के होते हैं और तेल के रिसाव के कारण बनते हैं। जब भी कच्चा तेल जो है वो समुद्र की सतह पे रिसाव के बाद तैरने लगता है, तो उससे गहरे रंग के चिपचिपे गोले बनते हैं और इन्हीं गोलों को हम टॉरबोल कहते हैं। इनके बनने के कई सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों, कि जैसे जो तेल के कुएं होते हैं वो फट जाते हैं, तो उसके कारण समुद्र में तेल का रिसाव हो जाता है, फिर ये टॉरबोल बन जाते हैं। या फिर जहाँ जो कि बिल्ज की आकस्मिक और जानबूझकर यहाँ से अगर कोई रिसाव कर देते तो भी इसका निर्माण होता है। नदी के अपवाह में या नगर पालिका सीवेज औद्योगिक अवशिष्ट किसी भी माध्यम से अगर समुद्र की सतह पर तेल पहुंचता है, तो उस तेल से इस प्रकार के गोलों का निर्माण होता है और इन्हीं गोलों को हम टारबोल के नाम से जानते हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये अधिकांश जगह पर ये टारबोल जो होते हैं, इनकी उपस्थिति हमें तेल के रिसाव का संकेत करती है। जहाँ भी हम इसे देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि जो जो तेल है उसका रिसाव कहीं ना कहीं हुआ है, इसीलिए बनी हुई है। समुद्री धाराएं जो होती हैं और लहरें जो हैं वो इन टारबोलों को समुद्र के तट तक पहुँचा देती हैं और इसीलिए तट के किनारे पर दिखाई दे सकते हैं। इन्हें हाथ से उठाया जा सकता है बिना किसी भी प्रॉब्लम के। टारबोल जो होती हैं वो कई बार बास्केटबॉल जितनी बड़ी भी हो जाती हैं और कई बार बहुत छोटी छोटी गोलाकार भी होती है ना। इन्हें आप हाथ से उठा सकते हो, चेक कर सकते हो, इसी प्रकार इनका अनुसंधान वगैरह भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की बात करें तो टारबोल के कारण कौन कौन सी चिंताएं, मतलब अगर समुद्र में ये टारबोल दिखाई पड़ती है तो इसको लेकर हम हमारे लिए कौन कौन सी चिंताजनक बातें हैं, क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनको जरा देखते हैं। कि सबसे पहले तो ये कि अगर कोई भी टारबोल समुद्र के तट की तरफ आ रही है तो इससे मछली पकड़ने के जाल में फंस जाएगी और मछुआरों को बाद में जाल की सफाई करना मुश्किल हो जाएगा। देखो, आप लोग जानते हैं कि ये तेल है और ये तेल के टारबोल मछुआरों के जालों में अगर फंस गई तो कहीं ना कहीं चिकनाहट उनके जालों में होगी, फिर इनको जाले जो होंगे वो साफ करने पड़ेंगे, वो साफ करने में बहुत परेशानी होगी क्योंकि इसमें तेल लग जाएगा। दूसरा इसका जो नुकसान है वो ये है कि समुद्री जीवन को भी प्रभावित करता है। जो भी तेल आपका समुद्र में चला जाएगा वो समुद्र की जो जैव विविधता है, जीव जंतु हैं, उन सभी जीव जंतुओं को बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित करेगा। विशेष रूप से क्लेम जो होते हैं और शिप जो होते हैं इनको बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुँचाएगा। टारबोल को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए समुद्र में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं, ये तैरते चले जाते हैं बहुत दूर तक। ठीक है, और एक प्रकार से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, आपका सी इको सिस्टम जो होता है, उसमें एक प्रकार का प्रदूषण का काम करती हैं कौन, टारबोल्स। तटीय जल से प्राप्त जो समुद्री भोजन है जैसे मछली और आदि है, उनको भी ये दूषित कर देता है। और अगर आपकी मछलियां जो है इससे दूषित हो गई हैं, तो वो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिसमें मांसाहारी खाने के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है और एक प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बन जाती है और फिर ह्यूमंस का जो भी बोल सकते हैं हेल्थ है उस पर भी बहुत इफेक्ट डालेगा, दूसरे जीव जंतुओं के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस प्रकार से जो टारबोल्स होती हैं दोस्तों वो बहुत नुकसानदेह होंगी, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं इसको उपाय किए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एक और संगठन जिसमें हम लोग विशेष तौर पर बात करेंगे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके है ना, इनका तीनों देशों का एक संगठन है जिसको हम AUKUS के नाम से जानते हैं। अब देखो, ये जो संगठन है ये संगठन इंडो पैसिफिक क्षेत्र हेतु एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा कर रहा है। त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की गई है, इंपॉर्टेंटली तीन देश इसमें शामिल है जिसमें ए फॉर बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, यू फॉर इंग्लैंड और यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात यहाँ पर हो रही है। इसके उद्देश्य जो है वो ये है कि अमेरिका जो है वो ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी साझा करेगा और इसके बाद हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है यहाँ पर रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसी के साथ इनडायरेक्टली यहाँ पर ये भी शो किया गया है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की जो मुखर कार्रवाइयाँ हैं उनके खिलाफ गठबंधन करना भी है। चीन जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है दक्षिण चीन सागर में, इस प्रकार के जो भी उसकी चीज़ें हो रही हैं उसकी कार्रवाई के खिलाफ एक गठबंधन है ताकि चीन को संकुचित किया जा सके, उसको रोका जा सके, इस प्रकार की सारी बातें इस संगठन के द्वारा
की जा रही हैं। यहाँ पर हम बात करें तो जो तीनों देश हैं इनके मध्य जो बैठक हुई है और कहीं ना कहीं इसमें कई सारी आपसी जुड़ाव की नई व्यवस्थाएं लेकर आए हैं, वो उद्योग जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी है जैसे कि अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्वांटम प्रौद्योगिकी, पानी के नीचे की क्षमताएँ जो है समुद्र के गहराई में, उन सभी पर भी इनका सहयोग करना इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से इनके उद्देश्य हैं। इसी में एक और व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, फाइव आईज अलायंस। दोस्तों MPPSC UPSC जैसे एग्जाम में जो मेन्स आप देंगे उसमें जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको इस प्रकार की चीजें पूछ सकता है। साथ ही साथ जो जो प्री होती है या फिर आप सीसेट क्या बोलते हैं अपन SSC जैसे एग्जाम्स देते हैं उसमें भी यहां पर पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि फाइव आईज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप याद रखिएगा। तो ये फाइव आईज अलायंस क्या है दोस्तों, ये पांच अंग्रेजी भाषी लोकतंत्रों का समूह है जिसमें अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के को शामिल है। इनके बीच एक खुफिया साझेदारी व्यवस्था है ये, और ये व्यवस्था 1946 से 1991 के बीच में जो शीत युद्ध चला है, कोल्ड वॉर चल रहा था USA और सोवियत संघ के बीच में, उसके समय कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं आई है ना। और बोल सकते हैं कि जो भी इससे संबंधित सहयोगी थे जिनके बीच में ये शीत युद्ध लड़ रहा था उसके दौरान ये संगठन जो है, ये गठबंधन जो है, ये अस्तित्व में आता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे की हम बात करें दोस्तों, तो याद रखना है कि ये जो एक और टॉपिक है आपका संघाई सहयोग संगठन SCO, ये क्या है और इसमें एक मिशन चल रहा है जिसको हम बोलते हैं शांतिपूर्ण मिशन 2021। तो दोस्तों याद रखिएगा कि एक अभ्यास मिशन है शांतिपूर्ण मिशन जिसका छठा संस्करण जो है वो होने वाला है और इसकी मेजबानी जो है वो रूस में की जा रही है। किसमें की जा रही है इसकी मेजबानी, रूस में की जा रही है, याद रखिएगा। ये जो संगठन है इसके द्वारा ये जो छठा इसका संस्करण है ये दक्षिण पश्चिमी रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर 2021 के मध्य किया जाएगा। भारत ने पहली बार 2018 में जब इसका पांचवा संस्करण हुआ था उसमें भाग लिया था, अब ये छठा संस्करण इसमें भी भारत भाग ले रहा है। एक प्रकार से एक बहुपक्षीय और संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास है। इसका बहुपक्षीय तो है ही, इसमें इंपॉर्टेंट जो टारगेट रख रहे हैं वो आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को लेकर यह अभ्यास है। जो संघाई सहयोग संगठन SCO के जो सदस्य देश हैं उनके बीच में कूटनीति के हिस्से के तौर पर हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। कितने साल में आयोजित किया जाता है तो याद रखेंगे 2 साल में आयोजित किया जाता है। और अगर इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करें दोस्तों तो याद रखना कि ये SCO जो है वो एक आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। भारत एवं पाकिस्तान जो है उसको 2017 में इसमें पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था। इसके संस्थापक देशों में अगर बात करें तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये जो इसके संस्थापक सदस्य थे बाद में भारत और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SCO में कौन से देश शामिल हैं, कौन से देश शामिल नहीं हैं, भारत कब शामिल हुआ, पाकिस्तान कब शामिल हुआ और इसकी स्वरूप कैसा है, इसका प्रकृति कैसी है, तो आप बोलेंगे आर्थिक और सुरक्षा से संबंधित संगठन है। ये जो संगठन जो अभ्यास कर रहा है वो एक अंतर पेशेवर आपसी संपर्क अभ्यास और प्रक्रियाओं की आपसी समझ, संयुक्त कमान नियंत्रण संरचनाओं की स्थापना के साथ आतंकवादी खतरों का उन्मूलन करने के लिए अभ्यास किया जा रहा है, याद रखना इंपॉर्टेंट इसमें क्या, आतंकवादी खतरों के उन्मूलन किए। साथ ही साथ इसका एक और उद्देश्य है कि जो भी SCO सदस्य हैं उनके बीच में घनिष्ठ संबंध बन सकें, बहुराष्ट्रीय सैन्य टुकड़ों के नेतृत्व की क्षमता बढ़ जाए, ये सभी चीजें इसकी उद्देश्य रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा संसद टीवी का शुभारंभ। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया, एक नई चीज़ शुरू की गई जिसको हम संसद टीवी के तौर पर देख सकते हैं। ये इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद टीवी का शुभारंभ किया है और इसके प्रमुख के तौर पर सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रवि कपूर को बनाया गया है इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, याद रखना है कि ये संसद टीवी जो है इसपे बजट के बारे में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो भी संयुक्त रूप से साझा किया जाएगा वो सब चीज़ इस पर होगा। लोकसभा कुल लागत का 2/3 वहन करेगी और राज्यसभा इसका 1/3 वहन करेगी। मतलब इसका जो भी खर्च होगा इसका लोकसभा और राज्यसभा दोनों अपने हिसाब से साझा करेंगे। नियमों के अनुसार लोकसभा जो है वो 2/3 और राज्यसभा जो है 1/3 इसका बोल सकते हैं कि इसमें योगदान देगी। इस टीवी के तहत मुख्यतः 4 श्रेणियों में कार्यक्रमों का आयोजित किया जाएगा। संसद और लोकतांत्रिक संस्थानों का कामकाज देंगे, शासन और नीतियों का कार्यान्वयन करेंगे, भारत का इतिहास और संस्कृति, समकालीन मुद्दे इस पर डिस्कशन किए जाएंगे। ये सभी चीज़ें
संसद टीवी से संबंधित होगी। संसद टीवी का जो दोस्तों गठन है, ये याद रखिएगा कि इसी साल फरवरी माह में इसको लेकर बात की गई थी। इसी साल फरवरी माह में जब बजट और इन सब चीज़ों पर बात चल रही थी, तब इसके बारे में बात की गई थी और संसद के सदन में इसके बारे में बात की गई थी। इसका गठन जो है वो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के विलय करके किया जा रहा है। दोस्तों अभी हमारे देश में आप देख रहे हैं कि टीवी चैनल पे दो अलग अलग चैनल आपको देखने को मिलते हैं, है ना। एक राज्यसभा टीवी अलग देखने को मिलती है चैनल, और लोकसभा टीवी अलग चैनल देखने को मिलता है। कई बार आपने यूट्यूब पे या फिर विभिन्न जगहों पर आपने देखा होगा कि उसकी क्लिपिंग जो होती है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो ये क्लिपिंग जो है ना, ये संसद की कार्यवाही जो है राज्यसभा की अलग और लोकसभा की अलग, राज्यसभा की राज्यसभा टीवी पर, लोकसभा की लोकसभा टीवी पर, इस प्रकार से बताई जाती थी। तो ये लोकसभा जो टीवी है, इसका शुरुआत दोस्तों 24 जुलाई 2006 को किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है संसद टीवी का शुभारंभ अभी करंट की घटना, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा टीवी कब आई थी। तो याद रखिएगा कि 24 जुलाई 2006 को लोकसभा टीवी शुरू किया गया था, और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के प्रयासों से ये आई थी। सोमनाथ चटर्जी जो थे वो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जो थे, उनके प्रयासों के बाद ये लोकसभा टीवी शुरू की गई थी। इस लोकसभा टीवी के चैनल पर लोकसभा टीवी पर जो है वो कुछ विशिष्ट संसदीय गतिविधियों को ही टीवी पर प्रसारित किया जाता था, जैसे कि संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का संबोधन आदि जो थे वो डायरेक्ट टेलीकास्ट कर दिया जाता था। इसके अलावा जो राज्यसभा टीवी है दोस्तों, वो 2011 में शुरू की गई थी। इसमें कहीं ना कहीं राज्यसभा की कार्यवाही के प्रत्यक्ष प्रसारण के अलावा, मतलब राज्यसभा की कार्यवाही जो होती थी उसका लाइव टेलीकास्ट तो होता ही था, साथ ही साथ संसदीय मामलों का विश्लेषण भी इस पर प्रस्तुत किया जाता था। ज्ञान आधारित विशिष्ट कार्यक्रम भी जो थे वो इस मंच पर प्रदान किए जाते थे। ये दोनों काम जो थे वो 2006 और 2011 में लोकसभा और राज्यसभा टीवी के माध्यम से कर रहे थे, लेकिन 2021 में संसदीय टीवी जो है, संसद टीवी जो है, उसका शुभारंभ किया गया है। मतलब कि ये राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को ज्वाइंट करके एक अलग का प्रोग्राम जो है वो सेट कर दिया गया है। अगला टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। दोस्तों हर साल 15 सितंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो दिवस है ये आम जनमानसों को विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रों के अनुसार, यूएन जो है उसके अनुसार हम बोलें तो लोकतंत्र का समावेश समान व्यवहार भागीदारी पर बनाया गया है, और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय शासी निकाय, नागरिक समाज, आम जनमानस की पूर्ण भागीदारी के माध्यम से ही एक जीवित लोकतंत्र का निर्माण किया जाता है, ऐसा मानना है किसका, आपके यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का है। और इन सब चीज़ों के लिए ही, लोकतंत्र का निर्माण किए जाने के लिए ही, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ही ये लोकतंत्र जो दिवस है वो सेलिब्रेट करने की परंपरा को भी शुरू किया गया है, ठीक है, याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो लोकतंत्र दिवस है ये सबसे पहले 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके इसको शुरू किया गया था। कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, समेकित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया है। इसके बाद 2008 में पहली बार इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घोषणा कब की गई थी, तो आप बोलेंगे 2007 में। किसके द्वारा पारित किया गया था इसका प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा। और पहली बार ये कब मनाया गया था, तो आप बताएंगे 2008 में ये पहली बार मनाया गया था, ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों छत्तीसगढ़ में बाजरा मिशन। दोस्तों बाजरा आप सभी लोग जानते हैं कि सूखे क्षेत्र में होने वाली एक मोटे अनाज के तौर पर उगाई जाती है बाजरा, इसको गरीबों का भोजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और भारत में एक प्रमुख खाद्यान्न भी है एक प्रकार से, या विशेष तौर पे कहाँ पर, जहाँ पर कम वर्षा होती है, क्योंकि बाजरा एक ऐसी फसल है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम उपजाऊ वाली मिट्टी में भी हो जाती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो राज्य को, छत्तीसगढ़ को देश का बाजरा हब बनाने के लिए एक बाजरा मिशन लेकर आई। इसका उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ को देश का बाजरा हब बना दें। इसका उद्देश्य है कि किसान को मोटे अनाज की फसलों का सही मूल्य देना, इनपुट सहायता देना, ठीक है। इसके अलावा खरीद व्यवस्था, प्रसंस्करण की जो सुविधाएं होती हैं वो, ये सब चीज़ें प्रदान की जाना इसका जो है वो उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है दोस्तों, ये बाजरा मिशन का उद्देश्य है, और इसी को सुनिश्चित किया जाए ताकि जो किसानों की विशेषज्ञ की सहायता लेके किसान बेहतर से बेहतर काम कर सकें, ठीक है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए राज्य के 14 जिलों में, छत्तीसगढ़ के 14 जिलों के कलेक्टर द्वारा भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद में, इसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों कोड़ो, कुटकी, रागी जैसे जो बाजरा की बढ़ती मांग को देखते हुए बाजरा मिशन न केवल आदिवासी
क्षेत्रों के लिए किसानों की आय को बढ़ाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को भी एक नई पहचान भी दिलाने वाला होगा। इस प्रकार से इस मिशन को देखा जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बाजरा मिशन किसके द्वारा लाया, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाया गया है। लास्ट आपका आज का टॉपिक है दोस्तों उड़ान परियोजना। उड़ान परियोजना जो है वो आईआईटी बॉम्बे अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो बॉम्बे है, उसने इस उड़ान परियोजना को शुरू किया है। दोस्तों उड़ान परियोजना का संबंध जो है वो हमारी शिक्षा नीति के तहत भी है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक नई शिक्षा नीति लागू की गई थी। अब भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति हाल ही में लागू की थी, उस नई शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि भारतीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में ज्ञान को बढ़ावा देने की बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने एक परियोजना शुरू की है, जिसको उड़ान परियोजना नाम दिया गया है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो इंजीनियरिंग के कोर्स होते हैं, उसमें पाठ्यक्रम में जो भाषा है वो बाधा बन जाती है। कुछ स्टूडेंट्स हिंदी में, कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में, तो ये भाषा जो है वो आपका आगे तरक्की की बाधा बन जाती है। तो इस बाधा को समाप्त करने के उद्देश्य से ही ये व्यवस्था आईआईटी बॉम्बे लेकर आया है। इंजीनियरिंग की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एक एंड टू एंड ट्रांसलेशन इकोसिस्टम के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो विद्यार्थियों को, आगामी पीढ़ी को अपनी मातृभाषा में इंजीनियरिंग का अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। देखो आज अगर आप बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश अनिवार्य रूप से वहाँ पर आना चाहिए, इंग्लिश को महत्व ज़्यादा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कि इंग्लिश की जिस भी विद्यार्थी को नहीं आती, उसके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इंजीनियरिंग अच्छे से फेस नहीं कर पाता और डर के मारे या किसी भी प्रॉब्लम के चलते वो पीछे ही छोड़ देता अपने चीज़ों को। तो यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे के प्रयास के बाद आने वाली पीढ़ी में जो भी ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश में कमज़ोर होंगे, जो भारतीय मातृभाषा में करना चाहते हैं इंजीनियरिंग, वो आराम से अपनी मातृभाषा में इंजीनियरिंग पढ़ाई कर सकते हैं और अपने भविष्य को अच्छे से सुनहरा बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया और यहाँ से डेफिनेटली विभिन्न परीक्षाओं में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप इन सभी को स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे और नोट डाउन कर रहे होंगे, ताकि आपके नोट्स बेहतर बनते चले जाएं करंट अफेयर के। डे टू डे का जो करंट अफेयर आप लोगों को मिल रहा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके महत्व को समझते हो आप, इसको नोट करते जाइएगा। आप चाहें तो शॉर्ट में सिनॉप्सिस बना के भी इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर चलता रहेगा। तो दोस्तों अगले लेक्चर में फिर मिलता हूँ अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।